सर मंजू देवी किस पद पे आप सर एनओ के पद पे हैं? मैम कितने लोग से अभी बच्चों का ये यहाँ पे हो चुका है रजिस्ट्रेशन, क्या क्या दवा दिया जा रहा है और कितने बच्चों को दिया जा रहा है, कितने तारीख से स्टार्ट हुई है आपको? सर ये आई एम आई 5.5 आपका अभियान चल रहा है और ये 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये हमारा अभियान है, जिसमें टीकाकरण में जो छूटे हुए हमारे बच्चे हैं उनको 0 से 5 साल तक उनको सारे टीके हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, सारे टीके दिए जा रहे हैं इसमें। और फीता कृमि का भी दिया जा रहा है दवा? जी फीवर जैसे हम लोग टीका लगाते हैं उसमें फीवर वगैरह की भी दवा दिया जाता है, डिवॉर्मिंग भी जो कि यार कीड़ी की दवा भी दी जा रही है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ गर्भवती की सारी सुविधाएं हैं। गर्भवती महिलाएं कितनी आ चुकी हैं अभी? अभी हमारे यहाँ तो 4 आई हैं जी, तो उनको सारी सुविधाएं आयरन फोलिक एसिड की गोली दिया जाता है और कैल्शियम की टेबलेट दी जाती हैं और एल्बेंडाजॉल भी दिया जाता है, प्लस आपका MCP कार्ड भी दी जाती है। और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हमारे यहाँ जो माननीय मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है JSY के तहत सारी उपलब्ध कराई जाती है हम लोग को। मैडम ये जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ किस तरह से आप प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं या बता रहे हैं लोगों को? कौन कौन लोग जा रहे हैं? सर हम अपने आशा और आंगनबाड़ी के थ्रू प्रचार प्रसार करवाते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब हमेशा हम लोग सर्वे करवाते रहते हैं, इस विषय में कितने बच्चे हमारे छूटे हुए हैं उनको चिन्हित करके हम लोग अपना टीकाकरण में उसको उन लोगों को बुला करके लगवाते हैं। हमारी आशाएं बहनें जाती हैं घर घर, उनको बुला करके लाती हैं और लगता है टीका हमारे यहाँ। तो लगभग एक अनुमानता है अभी 7 तारीख से अभी तक कितने लोगों का हो चुका है? सर समथिंग आपका 70 तक लग चुका है हमारे यहाँ टीके। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।